मोदी जी, किसानों का महत्व समझो। कृषि प्रधान देश है हमारा और आज इसी कृषि प्रधान देश में किसानों की हालत बहुत बुरी है। कितनी बुरी है हालत जग में देखो, इस किसान की छाई उदासी, मुख के ऊपर आपत्ति आई जान की। जितना जीने के लिए अन्न जरूरी है, उतना ही देश के लिए किसान जरूरी है। किसान मजबूत है तो पूरा देश मजबूत है। यहाँ रहकर ठीक से पालन पोषण तो हो नहीं पा रहा है, कभी फसल नष्ट हो जाती है तो कभी उचित दाम नहीं मिलते। आने वाले भारत देश का पालन पोषण किसान ही करते हैं। किसान ही नहीं रहेगा तो भारत कहाँ रहेगा। डटते हैं वो जो सच पर लड़ते हैं, हटते नहीं वो जो हक पर लड़ते हैं। मोदी जी, देश को आगे बढ़ाना है तो पहले किसान को आगे बढ़ाओ, देश खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी बने हुए हो सिख चैनल दे नाल, ते असी सिंघू बार्डर दी स्टेज दे पिछे खड़े हाँ। ते साडे नाल युवराज नाम दा एक छोटा जिहा मुंडा है, वह एक कविता गा के किसान संघर्ष की हिमायत कर रहा है। कविता बड़ी बाकमाल है, तुहानू कविता भी सुनावांगे अते उस नन्ने मुन्ने नौजवान दे नाल भी मिलावांगे। अते तुसी इह देख सकदे हो कि किन्ने बुलंद हौसले ने, छोटिया छोटिया उम्र के बच्चे इस संघर्ष के हाजरी लवा रहे हैं। तो यह जी चंग्यारी बाली है, यह जी संघर्ष की अग फैल रही है, तो बड़ी दूर तक जाएगी। आओ तो हम उस नौजवान को चलते हैं। युवराज जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो आप कविता बोलोगे? हम्म, तो बोलिए। मैं युवराज सिंह, आप सभी सम्मान के योग्य क्रांतिकारी किसानों को नमस्कार करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं आज इस मंच के द्वारा मोदी जी तक अपनी आवाज पहुँचाना चाहता हूँ। मोदी जी, किसानों का महत्व समझो। कृषि प्रधान देश है हमारा और आज इसी कृषि प्रधान देश में किसानों की हालत बहुत बुरी है। किसानों की यह हालत देखकर तो यही कहा जा सकता है कि कितनी बुरी है हालत जग में देखो। इस किसान की छाई उदासी, मुख के ऊपर आपत्ति आई जान की। क्यों नहीं होती है बात जग में किसान के सम्मान की, क्यों छाई उदासी, मुख के ऊपर आपत्ति आई जान की। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि क्यों आई आपत्ति किसान की जान की। जितना जीने के लिए अन्न जरूरी है, उतना ही देश के लिए किसान जरूरी है। किसान मजबूत है तो पूरा देश मजबूत है। पर देश में स्थिति ऐसी आ गई है कि किसान विदेश जाकर रोजगार ढूंढने को मजबूर है। यहाँ रहकर ठीक से पालन पोषण तो हो नहीं पा रहा है, कभी फसल नष्ट हो जाती है तो कभी उचित दाम नहीं मिलते। और ऊपर से ऐसे कृषि कानून बनाना जो किसान के हित में नहीं है, क्या वो उचित होगा? नहीं मोदी जी, ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। विश्व में जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आने वाले भारत देश का पालन पोषण किसान ही करते हैं। किसान ही नहीं रहेगा तो भारत कहाँ रहेगा। मैं भारत वर्ष का इतिहास याद दिला दूं, जब भी किसान को लड़ना पड़ा है वो लड़ा है। चाहे अंग्रेज हो, मुगल हो या कोई भी हो, किसान लड़ा है, हटा नहीं। क्योंकि डटते हैं वो जो सच पर लड़ते हैं, हटते नहीं वो जो हक पर लड़ते हैं। बोलो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मोदी जी, देश को आगे बढ़ाना है तो पहले किसान को आगे बढ़ाओ, देश खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। आखिर में मैं आप सभी के साहस को प्रणाम करता हूँ, आपका साहस दूसरों के लिए प्रेरणा है। धन्यवाद। कितनी उम्र है तुम्हारी? 8 years। 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੁਵਰਾਜ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਇਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਜ਼ਬੇ, ਜਜ਼ਬਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।